साथियों, मराठी भाषा का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। इस भाषा से ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया है और वो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। इसी भाषा से संत ज्ञानेश्वर ने वेदांत चर्चा से जन जन को जोड़ा। ज्ञानेश्वरी ने गीता के ज्ञान से भारत की आध्यात्मिक प्रज्ञा को पुनर्जागृत किया। इसी भाषा से संत नामदेव ने भक्ति मार्ग की चेतना को मजबूत किया। इसी तरह संत तुकाराम ने मराठी भाषा में धार्मिक जागरूकता का अभियान चलाया और संत चोखा मेला ने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को सशक्त किया। आज महाराष्ट्र आणि मराठी धर्म वाढविण्या थोर संतान मी साष्टांग दंडवत करतो। मराठी भाषेला हा दर्जा संपूर्ण देशाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षात केलेला मनाचा मुजरा आहे।